फाइव कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1 है, फैक्टराइजेशन चैप्टर का नाम है क्लास 9 बलूचिस्तान बोर्ड क्वेटा की बुक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, उसके पार्ट आज हमने 6 पार्ट है वो करने हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको फैक्टराइज करने हैं, ठीक है। बहुत ही केयरफुली देखना है आपने, ठीक है। यहाँ पे देखें 4x माइनस 8 इंटू वाई माइनस 2z है, तो इन दोनों में से देखना है कि कॉमन क्या चीज आ रहा है। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 4 का टेबल 8 पर जा रहा है, ठीक है, कि x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2z ये आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अदरवाइज ये इतना भी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, 3x वाई स्क्वायर जमा 27 वाई एक्स स्क्वायर माइनस 81 एक्स वाई। सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखिए 3 है, ये 27 है, ये 81 है, 3 का टेबल 27 पे भी जाता है और 81 पे भी जाता है, तो 3 कॉमन आ गया। नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ x है, यहाँ x को क्या रहा है, यहाँ पर x है, जो छोटी x की पावर छोटी होगी उसको ले लेंगे, तो यहाँ पर x की पावर 1 छोटा है वो ले लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ सॉरी वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है, यहाँ पर वाई है, तो छोटा वाई वाई है, वाई की पावर छोटी यानी एक है, ये कॉमन ले लिया, तो ये 3 और 3 खत्म हो गया, एक्स और एक्स खत्म हो गया, एक वाई में से एक वाई हमारे पास निकल गया, दो में से एक निकल गया तो एक वाई रह गया, ठीक है। अब 3 का टेबल 3 9 27 होता है, ठीक है, यहाँ से एक वाई है और ये वाई, ये और ये कट गया, एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है, दो में से एक एक्स निकल गया तो एक एक्स रह गया, माइनस 27, यहाँ से x भी निकल गया और यहाँ से y भी निकल गया, तो सिर्फ ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आती तो ये आपने करना है, ये आपने रफ में इस तरीके से भी कर सकते हैं, 3x y square जमा 27 y x square माइनस 81 x y, तो यहाँ से आपने 3xy और 3xy, तो यहाँ पे देखें ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये एक y रह गया, इस तरीके से y, ये और ये कट गया और ये 9x रह गया और ये 27 आ गया, क्योंकि ये और ये कट जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लिखकर इसके आंसर को यहाँ लिख देना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देख पार्ट 3 इसका देखें, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ पे देखें कि इसमें से और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, आपने क्या करना है, पहले इसको इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई और इसको भी मल्टीप्लाई, देन कॉमन, ठीक है। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर। अब ये वाली टर्म पहली और तीसरी को इकट्ठी कर लेते हैं, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए स्क्वायर, फिर ए बी प्लस एक्स बी स्क्वायर, इन दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो छोटी पावर ए है 1, ठीक है, ये ले लेंगे, इसके अलावा बी यहाँ पे है, यहाँ पर नहीं है, तो हम नहीं लेंगे, एक्स यहाँ पर है और यहाँ पर, दोनों पे है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, तो जो छोटी पावर होगी वो ले लेंगे, तो एक्स हमने ले लिया, अंदर क्या रह गया, ये ए और ए तो कट गया, ये बी रह जाएगा और एक्स स्क्वायर और एक्स कट के एक एक्स रह गया, ठीक है। सेम इसके साथ एक्स खत्म हो गया और एक ए रह गया, अब इधर से बी कॉमन आ गया, इधर ए प्लस एक्स बी आ जाएगा, ठीक है, तो ये ए एक्स प्लस बी, क्योंकि ये दोनों सेम है, जब ये वाली दो सेम आ जाए, आपके पास ये वाली दो चीजें सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका आंसर ठीक आ रहा है, फिर आपने इसको और इसको साथ लिख लेना है और बी एक्स प्लस ए को लिख लेना है, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं समझ आई तो आप इसको फिर इस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ऐसे ए एक्स कॉमन, ये खत्म, ये खत्म, बी एक्स आ गया और यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए, तो ये वाली चीज आपने यहाँ लिख देनी है और जो कॉमन लिया है वो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अच्छा, ये शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब यहाँ पर देखें क्या है क्वेश्चन नंबर इसका 1 का 4 पार्ट है, एक्स प्लस वाई इंटू ए प्लस बी माइनस वाई प्लस जेड इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखें कि ए प्लस बी और ए प्लस बी कॉमन है, इसको हमने इधर साइड पे लिख लिया, अब अंदर जो रहेगी टर्म वो हमने यहाँ पर लिखी, एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये एक्स सॉरी वाई और वाई कट गया क्योंकि साइन ऑपोजिट है तो ये कट जाते हैं, तो ए प्लस बी और x माइनस जेड, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है।
लास्ट अब लास्ट ही सेकंड लास्ट कर रहे हैं, 7 इंटू एक्स प्लस टू वाई का होल स्क्वायर माइनस 21 इंटू एक्स प्लस टू वाई। अब सबसे पहले देखिए 7 का टेबल 21 पे जाता है, 7 कॉमन। दूसरा यहाँ पे देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, जस्ट पावर ऑफ 5 का, ये 2 पावर है ये 1 पावर है, तो छोटी पावर को हमने बाय ले लेना है। ठीक है, अंदर क्या रह गया, एक्स प्लस टू वाई रह गया और ये 3 रह जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स प्लस टू वाई माइनस 3, ये इसका आंसर हो गया है। लास्ट पार्ट इसका करिए, इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, इसके अलावा देखें कि इसके क्या है, ये 6th पार्ट इसका है, 12xy प्लस 20x माइनस 15 माइनस 9y। ठीक है, इन दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो 4 का टेबल 4 थ्रीज आर और 4 फाइव आर। ठीक है, 4 का टेबल इस पे जा रहा है, 4 ले लिया, इधर x है इधर x है, x ले लिया, इधर y है और इधर y नहीं है, तो हमने y कॉमन नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y और ये 5। अब सेम लेंगे इसको, इधर माइनस लेंगे और ये आ जाएगा 3 का टेबल 5 प्लस 3y। तो यहाँ पे देखें ये और ये सेम है, तो यहाँ पर ये आ गया 3y प्लस 5 और ये आ गया 4x माइनस 3, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इसको सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई भी टॉपिक जो आप समझना चाहते हो तो वो भी आप मुझे फेसबुक या इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और फीडबैक देना ना भूलिएगा।